मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं आई टेक क्लाउड। आज हम करने वाले हैं रियल मी सुपर जूम में फ्री फायर टेस्ट, और आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम प्रोसेसर की बात करें और आपको बताएं कि यहाँ पर आपको कौन सा प्रोसेसर मिलता है, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर मिलता है 7 नैनोमीटर बेस्ड। और रैम और रोम की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 GB रैम और 256 GB रोम मिलता है। UFS 3.0 का सपोर्ट है और यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ ये मिलती है कि यहाँ पर आपको रियलमी की जो टेक्नोलॉजी है, कूलिंग टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर 3 से 4 घंटा गेमिंग करते हैं तो भी आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला। अगर यहाँ पर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, और आपको यहाँ पर एक डार्ट चार्जर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, क्विक चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर आपको डॉल्बे एटमोसफेयर का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर स्पीकर जो है बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर यहाँ पर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल मिलता है और 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, जिसकी वजह से आपका जो डिस्प्ले है वो बहुत स्मूथ चलता है। ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ चल रहा है, वो कोई लेग नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर। गेम में आपको यहाँ पर लेग तो देखने को नहीं मिलता, लैंड होने के बाद पता चलेगा कि आपको गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा। यहाँ पर आपको बहुत ही स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, ये देखें आप। गेम तो आपको यहाँ पर बहुत ही स्मूथ देखने को मिलता है। अगर आपको पाकिस्तान में कोई गेमिंग फ़ोन लेना है तो इससे बेहतर फ़ोन आपको नहीं मिलेगा इस रेंज में।